कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं। ऐलान तो ये किया है, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, देश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी देश की जनभावनाओं के खिलाफ जाकर के स्वतंत्र उम्मीदवार उतारने की जिद पर अड़ी है, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ अघोषित अलायंस हो गया। क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि पिछले 4 साल से लगातार कॉन्सिस्टेंट कांग्रेस वही भाषा बोलती है जो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। देश के अंदर जिस तरह से पिछले 5 साल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने की कोशिश की, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CBI हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, देश इस बात को चाहता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस देश के जो गाड़ी को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है, देश को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से नकारात्मक राष्ट्रवाद को इस देश के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है, लोगों को इस बात की निश्चित रूप से चिंता थी कि देश के अंदर अपोजिशन के सिंगल कैंडिडेट खड़ा हो और इस देश को बचाने के लिए सभी लोग अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं को और पार्टी की आकांक्षाओं की देश की आकांक्षा के सामने छोटा करें और देश को बचाने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आज जो फाइनल घोफड़ा हुई है, वो इस बात को दर्शा रही है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी के लिए देश से बड़ी पार्टी है और अपनी पार्टी को बचाने की जिद में कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अघोषित रूप से मदद करने के लिए तैयार है। हम लोगों का यह मानना है, हमने काफी सोचा इस बात पर, और हम लोगों का, आम आदमी पार्टी का मानना है कि पंजाब में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अघोषित गठबंधन करके और कांग्रेस को जिताने का और आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया था, दिल्ली के अंदर उसका बदला चुकता करने के लिए कांग्रेस अघोषित रूप से आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध दिख रही है। लेकिन हम आज कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से, देश की जो भावना है, आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी से बड़ा देश है और देश को बचाने का जो दायित्व है, आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के दम पर, जिस तरह से 2014 के चुनाव में हमने दिल्ली वालों के साथ मिलकर के कांग्रेस भाजपा के अघोषित गठबंधन की जमानत जब्त कराई थी, इस लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जनता के साथ मिलकर के लड़ेगी और जनता कांग्रेस भाजपा के इस अघोषित गठबंधन का जवाब देगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है। दूसरी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, कल से लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी, कहा जा रहा था कि राज्य की यूनिट तैयार नहीं है, केंद्र की यूनिट चाहती है, देश के बारे में सोचती है, लेकिन आज केंद्र और राज्य की दोनों कांग्रेस की यूनिटों के संयुक्त बैठक के बाद जो बयान आया है, उस बात को दिखा रहा है कि मसला केवल दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस किसको जिताने और किसको हराने के लिए मैदान में उतरेगी, किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, पश्चिम बंगाल में किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है, ये बात दर्शा रही है कि राज्य नेतृत्व ही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस पार्टी का किस दबाव में और क्यों भाजपा को वो मदद पहुंचाने के लिए इस चुनाव में कटिबद्ध दिख रहा है, ये वक्त और देश जानना चाहता है।